नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हमारे न्यू ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम लोग दिल्ली में हैं और अपने घर से निकल चुके हैं बाहर। तो आज हम लोग जाने हैं दिल्ली, वैष्णो मंदिर के पास आ गए हैं। सामने वो बोर्ड है, आप लोग पढ़ लो, आपको सही से दिखाते हैं पीछे बैक कैमरे से। तो हम लोग वहाँ जाएँगे, वहाँ का बहुत ही अच्छा नज़ारा होने वाला है दोस्तों। वीडियो पूरा ही वॉच करें। तो सामने पोस्टर लगा हुआ है श्री वैष्णो मंदिर, तो हम लोग यहाँ जाएँगे, यहाँ का बहुत ही अच्छा नज़ारा होने वाला है। वीडियो देखते रहें, बहुत मज़ा आने वाला है, वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, बहुत देर चलने के बाद में हम लोग आ गए हैं मंदिर के गेट में। तो अभी हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। दोस्तों, इस समय हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो देखो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दोस्तों आप लोगों को दिखाएँगे। दोस्तों देखो हनुमान जी की कितनी भयानक मूर्ति है। दोस्तों बहुत ही अच्छा नज़ारा होने वाला है। अभी तो बस हम लोग आए हैं मंदिर के अंदर, अभी अंदर का पूरा ही उनको दिखाते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ की दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ये शेर का मुंह है और मेरा भाई अभी यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, ये टिकरी कला में पड़ता है घेबरा मंदिर। तो अभी मेरा भाई प्रसाद चढ़ा रहा है, तो उसके बाद में पूरा घूम के तुमको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ का होने वाला है, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो अभी पूरा आपको दिखाएंगे, तो दोस्तों वीडियो पूरा ही वॉच करें। और राहुल भाई चढ़ा दिया प्रसाद, भाई चढ़ा दिया देवी माता के मंदिर पे प्रसाद। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, अंदर वीडियो बनाना मना है, तो अभी मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, पीछे का देखो कितना, मतलब यहीं पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। दोस्तों देखो ये कितना अच्छा मंदिर है। भाई जल्दी चल, ऑडियंस पूरा मंदिर देखना चाहती है। तो अभी हम दिखाने वाले हैं, बस बाहर आ गए हैं। देख भाई क्या ही लोकेशन है आगे, कितनी अच्छी है। सामने देखो कितनी कितनी बड़ी मूर्तियां हैं, बजरंगबली और भोले बाबा की मूर्ति दिखा दिया है। ये रहे बजरंगबली, वो चारों तरफ का बहुत ही अच्छा मंदिर है। ये गौ माता है, मेरा भाई प्रसाद चढ़ाएगा। गौ माता जी लो खा लो। दोस्तों पूजा हो गई है, आगे चल रहे हैं, आगे देखिए आके। दोस्तों ये साईं बाबा, मैं इनके पैरों पे चढ़ा। तो भाई इस मंदिर का लोकेशन बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी घूमने आ सकते हैं। वीडियो भी अभी वीडियो में पूरा ही बने रहना है, अभी बहुत अच्छी चीज दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों देखो मैं घंटी बजा रहा हूँ, भाई ये तो छोटा पड़ गया, हम तो आराम से बजा लेंगे। आ जाओ इधर, पूरा आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। आ जाओ भाई, राव जल्दी आ जाओ। चलो भाई जल्दी। ये देखो कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। दोस्तों ये कितना अच्छा मंदिर है, जिसको ये मंदिर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर करें। तो चलो आप, अभी तो बहुत कुछ दिखाना है, तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों देखो ये भोले बाबा की शिवलिंग है, या मेरा भाई प्रसाद चढ़ाएगा। तो हम तो पैर छू रहे हैं, तो सभी लोग जय भोले कमेंट में जरूर लिखें। जो भोले बाबा का भक्त होगा वो कमेंट में जय भोले बाबा लिखेगा। तो दोस्तों देखो ये मैया रानी का मंदिर है। दोस्तों जय माता दी, जय माता दी। ये सब अपनी मनोकामना के लिए सब लोग यहाँ पे गांठ बांध के जाते हैं, जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहीं पे वापस खोलने आते हैं। ये रहा कुछ घंटा, तो यहाँ पर आप लोग भी दर्शन करने आ सकते हैं। ये घेबरा मोड़ दिल्ली में पड़ता है। दोस्तों सब लोगों का कहना है कि ये प्रसिद्ध मंदिर है। क्या ही मस्त नजारा है यहाँ का, बहुत अच्छा धाम लग रहा है। मंदिर के किनारे ही फॉरेस्ट है, भाई ने दिखाना एक मिनट के लिए, देखो कितना प्यारा फॉरेस्ट है। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं पीछे भोले बाबा जी की मूर्ति है, तो मेरा भाई भी प्रसाद चढ़ाएगा। दोस्तों जिनको प्रसाद चढ़ाना अच्छा लगता है वो कमेंट में बता सकता है।
दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं राम और लखन और उनकी माता जी कौशल्या जी हैं। पीछे देखो हनुमान जी की मूर्ति, कितनी भयानक मूर्ति है देखो। तो आप लोगों को सामने से भी अभी मूर्ति दिखाएंगे। इस सामने शेर का गुफा है, यहीं से हम लोग अंदर आते हैं और मैया रानी देखो ऊपर बैठी है। कितना अच्छा दृश्य है दोस्तों। जिसको माता रानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी लिख दें। और ये सामने गणपति महाराज हैं हमारे, देखो पीछे शेर है, एकदम ऊपर कोई छलांग लगाएगा। और ये सामने मूर्ति, बहुत ही विशाल मूर्ति है भोले बाबा की। दोस्तों इधर देखो कितना प्यारा सा ब्रिज है, इसमें थोड़ा ही पानी है। ये ब्रिज है देखो, एकदम लकड़ी जैसा लग रहा है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हो ये कुछ ब्रिज है, कितना अच्छा है, एकदम लकड़ी का लग रहा होगा पर लकड़ी का है नहीं। बहुत ही अच्छा ब्रिज है, अंदर पानी भरा हुआ, पत्थर हैं छोटे छोटे, पीछे का भी देखो कितना मस्त है, एकदम बढ़िया से बना रखे हैं, कितना बहुत अच्छा लग रहा है। नज़ारा ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ पीछे पार्किंग है, देखो यार कितनी अच्छी लग रही है, प्यारी सी। इसमें सब लोग पूजा करने के बाद थोड़ा विश्राम करते हैं, तो चलिए हम भी करते हैं। ये ब्रिज देखो सामने, कितना अच्छा ब्रिज है, पानी है नीचे, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये मेन गेट है, यहीं से हम लोग अंदर आते हैं, फिर इस ब्रिज पे चढ़ के अंदर पूरा ही मतलब पूरे मंदिर के दर्शन करके। दोस्तों सामने मेरा भाई पुल के नीचे जा रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है, पानी भरा हुआ, थोड़ा ही पानी है, ज़्यादा तो नहीं है, पर यहाँ की सुंदरता की बात करें तो बहुत ही अच्छी है। सामने भोले बाबा की मूर्ति है, हनुमान जी भी सामने खड़े हैं। दोस्तों ये पुल है, हम लोग ऊपर जाएंगे पुल के, देखो ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा लगता है पुल का। दोस्तों देखो ये बजरंगबली है भाई, दिखाइए एक बार बजरंगबली को। ये रहे बजरंगबली, इतने बड़े बजरंगबली है, बहुत अच्छा है यहाँ का नज़ारा, आप लोग घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। कहाँ पे राहुल पड़ता है एक बार तू भी बता दे। दिल्ली में घेवरा मंदिर में। हाँ तो आप लोग घूम सकते हैं दिल्ली घेवरा मंदिर। दोस्तों देखो ये पत्थर की दीवार कितनी है। तो दोस्तों पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते हैं हमारी वीडियो में कितने भक्त आते हैं और कमेंट में कितने प्यारे हाथों से जय माता दी लिखा जाएगा। तो दोस्तों कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आज का वीडियो बस यहीं समाप्ते हैं, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों अगला वीडियो भी बहुत मस्त होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो में जय माता दी, जितने भी माँ के भक्त हैं तो जय माता दी जरूर लिखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो का बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।